हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में अब हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, यानी कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट जो हम कर रहे हैं उसका एक ओवरव्यू हम पढ़ेंगे। तो हमारी स्टडी जो का जो पहला टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन ऑडिट, यानी कि ऑडिट में क्या जो ऑडिटिंग कर रहे हैं हम उसमें क्या इम्पैक्ट आया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट आया। एक तो जो अगर उसे समराइज करें जो ये सबसे पहला तो एक नया एसेट पैदा हो गया जिसका नाम इन्फॉर्मेशन एसेट है। और दूसरी बात, हम ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल एसेट्स हैं, ट्रेडिशनल एसेट्स का ऑडिट कर रहे हैं। अगर मान लिया ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शंस का अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इम्पैक्ट आ गया है। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं हुआ है, ऑडिटिंग का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटिंग का, अगर पुराने ज़माने से देखें तो एक लालची होते हैं, लालची के पास एसेट्स होते हैं, पूंजी होती है, उस पूंजी को वो सेफ गार्ड करना चाहते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव किसी भी एसेट का जो होता है वो है कि एसेट्स की सेफ गार्ड करना। दूसरा, लालची क्या चाहते हैं, लालची चाहते हैं कि जो एसेट है वो एफिशिएंटली यूज़ हो। और तीसरा क्या है कि प्रॉफिट आए, धंधे में नफा आए, प्रॉफिट आए। तो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट लेना, अगर कमर्शियल कंसर्न है तो प्रॉफिट लेना, अगर नॉन प्रॉफिट है तो फिर बात अलग है। अदरवाइज बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करना, जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है इंटरनल, जो आपका ऑडिटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैक्सिमम लेवल तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि रिसोर्सेज अगर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑडिटिंग में देखनी होगी और इसी पर हमें ओपिनियन देना होगा। तो फंडामेंटल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चेंज नहीं हुए हैं। आईटी ने इम्पैक्ट किया है किस तरीके से ऑडिटिंग की जाएगी, लेकिन ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स तकरीबन वही है। कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में भी वही है। आज इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जो है वो इसलिए पैदा हुआ क्योंकि एक नया एसेट पैदा हो गया, उस एसेट का नाम था डेटा, और डेटा या इन्फॉर्मेशन। तो चूंकि एक नया एसेट पैदा हो गया तो एक नया स्पेशलाइज्ड ऑडिटर ला दिया गया है जिसका नाम इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर है। तो लेकिन जो ओवरऑल ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स हैं वही रहेंगे, ओवरऑल ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स चेंज नहीं होंगे। हाँ, मेथड्स चेंज हो जाएंगे क्योंकि एक नया इन्फॉर्मेशन एसेट आ गया, उसका नाम है इन्फॉर्मेशन। एक नया एसेट आ गया जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन के पीछे सॉफ्टवेयर्स आ गए, सॉफ्टवेयर के पीछे हार्डवेयर और कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स आ गए, इन सब के पीछे आईटी फैसिलिटी आ गई। तो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, एक नया तरह का जंतु पैदा हो गया रातों रात। वैसे रातों रात तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा है कि कुछ 70 साल या 100 साल पहले से होना स्टार्ट हुआ, 70 साल में तेज़ी पकड़ी और पिछले 30 साल में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और पिछले 10 या 5 साल में तो मैसिव इंपॉर्टेंस में आ गया, और अगले 10-15 सालों में तो ऐसा लगता है कि केवल इन्फॉर्मेशन ही इंपॉर्टेंट एसेट्स रह जाएगा, बाकी एसेट्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि उसी इन्फॉर्मेशन एसेट से हम सारे इकोनॉमिक सिस्टम्स को कंट्रोल करना चालू करेंगे, और चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगी वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। होती जा रही है, और डे बाय डे इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट होती चली जा रही है, इन्फॉर्मेशन एसेट इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। इन्फॉर्मेशन एसेट से बने ऑर्गेनाइजेशन फेसबुक $100 बिलियन के वैल्यूएशन ले लेते हैं, और जबकि हिंदुस्तान जैसी पूरी कंट्री $1900 बिलियन सालाना GDP होता है उसका, और 125 करोड़ लोग काम कर रहे होते हैं, और जहां फेसबुक में 4-5 हज़ार लोग काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्योंकि एक नया एसेट हो गया है इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा चीज़ें ऑटोमेट होती चली गई हैं, तो हमारा क्या है कि मैनर ऑफ ऑडिट चेंज हो गया, लेकिन ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से हम, यानी कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स हम किस तरह से मीट आउट करेंगे वो तरीका चेंज हो गया है। क्योंकि चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, जहाँ पर पहले क्या होता था कि 100 आदमी होते थे, वहाँ पर 2 आदमी हो गए। तो अब आप सेग्रीगेशन की ड्यूटी ऑफ ड्यूटीज़ की पहले खूब बात किया करते थे, लेकिन जब जिस ऑर्गेनाइजेशन में पहले 100 आदमी थे अब 2 ही आदमी रह गए हैं और वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी उस ट्रेडिशनल मायने में नहीं हो सकती। वहाँ पर एक आदमी मल्टीपल रिसोर्सेज कंट्रोल कर रहा है, तभी तो वो इतना एफिशिएंट है, तभी तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है।
क्योंकि बेसिकली पैसा कौन लेता है, ह्यूमन बीइंग लेता है। सिस्टम से आप पूरी सिस्टम की चेन से ह्यूमन बीइंग कम करते चले जाओ, चीज़ की कॉस्ट कम होती चली जाएगी। और बिज़नेस का काम क्या है, बिज़नेस का काम ये है कि कॉस्ट रिड्यूस करते रहना। कॉस्ट रिड्यूस करते रहोगे तो क्या रिड्यूस करोगे, फाइनली जो पूरी चेन में जो आदमी को पैसा दे रहे होगे वो रिड्यूस करते चले जाओगे, या नीचे के जॉब्स जो हैं ऑटोमेट करते जाओगे। तो बेसिकली जिस मैनर से हम ऑडिट कर रहे हैं वो चेंज हो गया। ऑडिट ऑब्जेक्टिव, जिस मैनर से हम ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते थे उनमें इम्पैक्ट आ गया, लेकिन ऑडिट ऑब्जेक्टिव वही रहा है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग वही रहा है। पहले क्या होता था कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग पहले भी होती थी, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अब भी होती है, कोई नई चीज़ नहीं है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। लेकिन पहले क्या होता था, खाता बही इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती। आज की डेट में ERP है, पूरा एक सिस्टम है जहाँ पर एक जगह इनपुट करते हो तो ऑटोमेटिकली फिर सिस्टम ओवरटेक कर लेता है उसे और ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको आउटपुट दे देता है। मतलब आपको आउटपुट की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आउटपुट आ जाता है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसने क्या किया, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को स्पीडीली कर दिया, एक्यूरेस कर दिया है और मैसिव स्पीड ला दी है उसमें। मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिफरेंसेस, क्लियर डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए, मतलब क्लियर डिफरेंसेस पैदा कर दिए इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में। वहाँ पर क्या होता है कि अगर हम कोई ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, स्पीडीली होता है, एक्यूरेटली होता है। अगर मशीन को दे दिया गया तो उसका एक पर्टिकुलर लॉजिक है, उस लॉजिक के अनुसार वो काम करेगा, बोर नहीं होगा, वो बीमार नहीं होगा, बोर नहीं होगा, जॉब छोड़ के नहीं जाएगा, वो फ्रॉड नहीं करेगा, एरर नहीं करेगा, ओमिशन नहीं करेगा। हाँ, वायरस आ गया तो बात अलग है, आपको उसमें टेक्निकल कंट्रोल्स तो लगाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज वो स्पीड और एक्यूरेटली आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो कई चीज़ ट्रेडिशनल ऑडिटिंग में जो हम फाइंड आउट करते थे, एरर्स तो नहीं है, तो यहाँ पर एरर्स, प्रोसेस एरर्स पर ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा, एरर्स पर नहीं ध्यान देना पड़ेगा। अगर सॉफ्टवेयर का प्रोसेसेस सही है तो सही तरीके से कैलकुलेट करेगा, सॉफ्टवेयर का लॉजिक सही है, एल्गोरिथम सही है तो वो सही तरीके से कैलकुलेट करेगा, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैसिव इम्पैक्ट आ गया है प्रोसेसेस में, लेकिन ऑडिट ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग वो सारी चीज़ें वही हैं। तो ऑडिट फंक्शंस में IT का इम्पैक्ट आ गया है और चेंजेस आ गए हैं, कुछ चेंजेस आ गए, IT ने चेंजेस ला दिए हैं। अब अगर हम इम्पैक्ट समझना चाहेंगे कि क्या इम्पैक्ट आया ऑडिटिंग मेथड्स में, क्या इम्पैक्ट आया, क्योंकि ऑडिटिंग ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आया, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स में तो कोई चेंज नहीं है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स में तो कोई चेंज नहीं आया। हाँ, ऑडिट फंक्शंस किस तरह से करेंगे उसमें इम्पैक्ट आ गया, किस तरीके से ऑडिट की मेथडोलॉजी में इम्पैक्ट आ गया। तो अगर हम उसको समझना चाहेंगे तो नेचर ऑफ चेंज सबसे पहले समझना पड़ेगा कि चेंज क्या क्या हुआ है। पहले क्या था, IT इनेबलिंग टूल था, मतलब मेयर इनेबलर था, मतलब IT जो है ड्राइवर नहीं था, इनेबलर था। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर कि आप दुकान में जाते हो और पाइनएप्पल की दुकान में जाते हो, आप कहते हो जी पाइनएप्पल का केक दे दो मेरे को अभी खाना है, तो एक प्लेट में देता है, प्लेट क्या है, इनेबल करती है, इनेबलिंग टूल होती है। लेकिन पाइनएप्पल जो है ड्राइवर होता है, बिजनेस ड्राइवर होता है, उसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता है। तो बिजनेस ड्राइवर्स और बिजनेस इनेबलर्स में डिफरेंस होता है, इनेबलिंग टूल्स जो होते हैं हेल्प करते हैं, हेल्पर को निकाला भी जा सकता है लेकिन ड्राइवर को आप नहीं निकाला जा सकता है, ड्राइवर तो भाई ड्राइव करेगा। तो इनेबलर और ड्राइवर दो चीज़ डिफरेंस है। हमने ये पढ़ा था कि IT इनेबलर्स और IT ड्राइवर्स, IT पहले एज अ इनेबलिंग टूल और IT एज अ ड्राइवर। तो चेंज हो गया, स्टेटस चेंज हो गया, IT जो है इनेबलर टूल से मूव कर गई है। और पहले क्या होती थी, अकाउंटिंग, सेल्स, पेरोल प्रोसेस होती थी, अब इन प्रोसेसेस को ये ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। और ड्राइव कैसे किया है, ERP बन गई है, ERP सॉल्यूशंस बन गया है, एक्सटेंडेड सॉल्यूशंस बन गए हैं, एंटरप्राइज वाइड सॉल्यूशंस बन गए हैं। तो इन्होंने क्या है, ट्रांजैक्शन साइकिल को क्रश कर दिया है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन के रूप में बना दिया है। मतलब पहले मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते थे, आपके वहाँ सपोज आप परचेज कर रहे हो
तो क्या होता था कि परचेज़ कर रहे हो तो रिक्विजिशन आती थी, रिक्विजिशन आने के बाद डिपार्टमेंट हेड के पास जाते थे, सर जी साइन कर दो, वो साइन करता था, साइन करने के बाद क्या कहते हैं वो परचेज़ डिपार्टमेंट के पास जाती थी, परचेज़ डिपार्टमेंट देखता था कि यार ये सिग्नेचर, ये अब आगे इस क्या करना है, अगर इन्वेंट्री में माल है कि नहीं है, इन्वेंट्री में अगर माल है तो माल इशू कर देता था, नहीं होता था तो फिर वो परचेज़ करना स्टार्ट करते थे, फिर एक तीन कोट्स मंगाते थे, कोट्स मंगाने के बाद वो, या अगर लिस्टेड वेंडर्स हैं, लिस्टेड वेंडर से वो सामान मंगाना स्टार्ट कर देते थे, वो ऑर्डर दे देते थे, ऑर्डर देने के बाद माल आता था, माल आने के बाद वेयर हाउस में माल जाता था, वेयर हाउस की रिसीट बनती थी, वो तीन रिसीट्स होती थी, एक रिसीट जो होती थी आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाती थी, एक उसके पास रहती थी, और थर्ड जो माल लेकर आता था उसे दे दी जाती थी, वो फिर जाता था, फिर एक चेक बनता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऑथराइजेशन होता था, चेक बनता था, चेक बनने के बाद मालूम पड़ा आपका, उसके पास चेक गया, चेक कलेक्शन के लिए तीन बार आदमी ने चक्कर लगाया, उसके बाद क्या हुआ कि वो आदमी बैंक में गया, बैंक में उसने चेक क्लियर किया, कई बार क्या हुआ चेक में सिग्नेचर्स गड़बड़ हो गए, या चेक रास्ते में खो गया, या चेक कुरियर से आया तो वो मिला नहीं, तो कई बार चेक बाउंस हो गया, तो फिर से आप जाते थे, फिर उसके बाद वो बैंक रिकन्सिलेशन देखता था, बैंक से एडवाइस मंगाता था कि ये चेक कैंसिल हो गया, और फिर उसके बाद फिर फर्दर वो जो है स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता था, चेक इशू होता था, इस तरह से मैसिव प्रोसेसेस थी। आज की डेट में क्या है कि मारुति कंपनी है, उधर मिंडा कॉरपोरेशन है, मारुति कंपनी ने के वहाँ एक्सेल या आपके स्टेयरिंग की कम रीऑर्डर लेवल में पहुँच गई, रीऑर्डर लेवल में पहुँचते ही ऑटोमेटिकली जैसे ही वो रीऑर्डर लेवल में पहुँचेगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली परचेज डिपार्टमेंट को बता देगा भैया रीऑर्डर लेवल में पहुँच गया है और जो रीऑर्डर क्वान्टिटी है 300 है, 300 आप मंगा लो, तो जो क्लर्क है वो 300 उसके उसमें एक आइकन आ जाएगा, एक पर्टिकुलर आ जाएगा, उसको केवल एंटर दबाना होगा, ऑटोमेटिकली 300 ऑर्डर चले जाएगा या उसके बॉस के पास चले जाएगा, बॉस देखेगा 300 नहीं, ये तो इस समय तो सेल्स कम हो रही है, 250 ही मंगाई जाए, वो 250 लिख देगा, एंटर कर देगा, उसे 300 लिखा हुआ आएगा लेकिन वो ब्लिंक कर रहा होगा 300, अगर वो एंटर करेगा तो 300 का ऑर्डर हो जाएगा, उसको वो कम ज़्यादा कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी होती है उसे कम आज़ादे करने की, उसने 250 किया, एंटर किया, ऑटोमेटिकली चला गया, उसके बाद माल आया, माल आती जो वेयर हाउस में माल आती उसने रिकॉर्ड किया इतना इतना माल आया, एंटर आया, ऑटोमेटिकली रिसीट दी उसको, निकल गई ऑटोमेटिकली, वो तो रिसीट तो नाम के लिए दी उसने, मिंडा कॉरपोरेशन को ऑटोमेटिकली पता चल गया कि माल पहुंच गया है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को चला गया कि माल पहुंच चुका है, उसके बाद माल वहां पर हुआ, जो आपके क्वालिटी कंट्रोलर ने उसने चेक किया अपने सिस्टम में, ओके बोला तो मिंडा कॉरपोरेशन को पता चल गया क्वालिटी में ओके हो गया, और फाइनेंस में भी पता चल गया क्वालिटी में ओके हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला 25 तारीख को बैठेगा, उसने देखा, उसने बटन दबाया, ऑटोमेटिकली पॉपअप किया कि इतना क्वालिटी के लिए ओके हो चुका है, और इतना माल जो है को ओके हो चुका है, इतना माल आ चुका है, और क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली जो है उसने बैंक को इंस्ट्रक्शन भेज दिया, उसने एक एक्सेल शीट अपलोड की, उसमें ओके दबाया, बैंक को इंस्ट्रक्शन चला गया, बैंक को इंस्ट्रक्शन चल जाके ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में पैसा चला गया। अगर मान लिया सपोज ऑटोमेटिक आजकल चेक्स आते हैं, प्रिंटेड चेक्स आते हैं, प्रिंटेड चेक्स आए तो प्रिंटेड चेक्स अगर मान लिया सपोज उसे स्टॉप पेमेंट करना है तो कंप्यूटर ओपन किया, वहाँ पर बैंक की साइट में गए और वहाँ पर स्टॉप पेमेंट के लिए उस चेक नंबर डाल दिया, एंटर किया, स्टॉप पेमेंट ऑटोमेटिकली हो गई, मतलब कोई ऑथराइजेशन, कोई ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं, इतने सारी प्रोसेसेस, लंबी चौड़ी प्रोसेसेस करने की ज़रूरत ही नहीं। तो यानी कि आज की डेट में क्या है कि जो 50 ट्रांजेक्शन्स थे वो आज की डेट में सिंगल ट्रांजेक्शन्स में कन्वर्ट हो गए, मतलब एक क्रस्ट ट्रांजेक्शन साइकिल टाइम हो गया है और सिंगल ट्रांजेक्शन हो गया, और ये वेरियस स्टेक होल्डर्स जो हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको वो सारी ट्रांजेक्शन्स दिख रही हैं, लेकिन वो एक सिंगल ट्रांजेक्शन्स के रूप में हो गया है, हर एक का अपना रोल है, हर एक की अपनी, अगर वो चाहें, अगर मान लिया सपोज पैसे, अगर मान लिया सपोज रीऑर्डर लेवल आया, और रीऑर्डर लेवल आया तो अगर रीऑर्डर बंदा चाहे तो उस जो इन्फॉर्मेशन है उसको रोक सकता है, लेकिन अब सिस्टम खुद बताता है, सिस्टम खुद ऑटोमेटिकली आपको पॉपअप दे देगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको
इन्वेंटरी डिपार्टमेंट से वेट करना पड़ेगा एक इन्फॉर्मेशन के लिए। तो एक सिंगल एक क्रश्ड ट्रांजेक्शन साइकिल टाइम हो गया है और एक सिंगल ट्रांजेक्शन के रूप में हो गया, इससे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो गया, इससे कॉस्ट बच गई है, इससे एक्यूरेसी आ गई है, इससे चीज़ें फास्टर हो गई हैं, इससे बिजनेस स्ट्रेटेजी काफ़ी चेंज हो गई है। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है बिजनेस के नेचर को चेंज कर दिया है, बिजनेस की स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया है। क्योंकि ऐसा है, क्या कहते हैं, पहले एक लंबा चौड़ा बैकएंड होता था, अब लंबा चौड़ा बैकएंड नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में। एक जो बैकएंड प्रोसेसेस होती हैं उसमें कम लोग होते हैं और रिपोर्ट्स बड़ी जल्दी आ जाती हैं। अगर बैकएंड प्रोसेस में लोग रोके रहते थे, मतलब उनके पास वही मेंटेलिटी होती थी जो हमारे सरकारी कर्मचारियों के पास है, कि वो चीज़ों को दबा के बैठ जाते थे, लेकिन आज क्या है, पूरी ईआरपी है, तो चीज़ों को आप दबा कर नहीं बैठ सकते। आज क्या है, सिंगल ट्रांजेक्शन की तरह काम करती है, एफिशिएंट है, आपको इंस्टेंटली बताना पड़ता है। अगर मान लिया सपोज़ आप कोई चीज़ रोक रहे हो तो आपको बताना पड़ता है कि मैं क्यों रोक रहा हूँ। पहले क्या होता था कि चीज़ों, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक चीज़ें बाहर निकल कर नहीं आएंगी। अब क्या है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली पॉपअप क्रिएट कर देता है कि भैया रीऑर्डर लेवल में पहुंच गया, ये रीऑर्डर क्वांटिटी है, आपको केवल एंटर दबाने की ज़रूरत होती है, परचेज ऑर्डर रिलीज हो जाता है मिंडा कॉरपोरेशन को कि भैया ये चीज़ भेज दो। वहाँ से मिंडा कॉरपोरेशन के पास परचेज ऑर्डर पहुँचा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, उनके सिस्टम में फ्लैश करता है कि इतना है, ऑटोमेटिकली उनके इन्वेंट्री जैसे ही उसके सिस्टम में फ्लैश किया, उसके एग्जीक्यूटिव ने ओके दबाया, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट तक पहुँच गया, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को पता चला, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट ने लोड कराना स्टार्ट किया, माल को लोड कराना और भेजना स्टार्ट किया। तो यानी कि ये सब प्रोसेस में रीऑर्डर लेवल आने में और इसमें होने में एक मिनट भी नहीं लगा, परचेज ऑर्डर रिलीज होने में, ये में अगर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, सब लोग अपने पास बैठे हुए हैं और उन्हें इस प्रोसेस को रोकने का कोई मतलब, रीऑर्डर कम करने का, रीऑर्डर चेंज करने का, रीऑर्डर जो हम ऑर्डर कर रहे हैं उसको चेंज करने का कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें एक मिनट में हो गई। विद इन मिनट्स मिंडा कॉरपोरेशन को पता चल गया कि भाई इतना माल जो है मारुति के पास पहुंचना है, और विद इन 15 मिनट में मालूम पड़ा या आधे घंटे में माल लोड हुआ और ट्रक चल रहा है। मतलब घंटे भर में तो वहाँ से ट्रक स्टार्ट हो गया आपके कंपनी में आने में, दो घंटे के अंदर में तो ट्रक आपके वहाँ पहुँच गया, दो तीन घंटे में तो ट्रक आपकी कंपनी में पहुँच गया, पहुँच कर वो माल आपके वहाँ स्टैक हो गया। तो यानी इसने क्या किया है, इसने सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इन्वेंट्री की मैनेजमेंट में हेल्प की है। इन्वेंट्री पहले ज़्यादा होती थी, अब क्या कहते हैं, एक्सेस पैसा फंसा रहता था इन्वेंट्री में, उसने एफिशिएंसी क्रिएट कर दी सारी उसमें, और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर दी, सिस्टम को फास्ट कर दिया। दूसरा चीज़ हमारे स्टडी कहती है कि ट्रांजेक्शन साइकिल्स जैसे परचेज हैं, सेल्स हैं, एंटायरली ऑटोमेट हो सकती हैं। इसमें बिजनेस रूल्स आप लगा दीजिए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हैं इनको ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे। मतलब उसमें कहीं पर आपको अगर परचेज होनी है तो कहीं पर परचेज वो पूरी साइकिल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटेड साइकिल्स हैं, बिजनेस रूल्स हैं, किस किस से अप्रूवल लेना है ऑटोमेटिकली पॉपअप आएगा आपके सिस्टम में, ऑटोमेटिकली आपको क्लिक करना है, यस करना है, ऑटोमेटिकली आपको परचेज कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा क्या है कि सिस्टम ऑटोमेट हो गए तो इंटरनल कंट्रोल्स भी ऑटोमेट हो गए, ट्रांजेक्शन रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स ऑटोमेट हो गए, अकाउंटिंग ऑटोमेट हो गई है, ऑपरेशनल कंट्रोल्स ऑटोमेट हो गए और ये एम्बेडेड हो गए, मतलब जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें एम्बेडेड हो गए और जैसे ही आप चीज़ें एग्जीक्यूट करोगे अपने आप लॉग्स बन जाएगा। इंस्ट्रक्शन सेट्स जो हैं ड्राइव करते हैं ट्रांजेक्शन रूल को और वहाँ पर लॉग्स बन जाएंगे। बेसिकली एक ऑटोमेटेड सिस्टम्स में जो है वहाँ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के उतने मायने नहीं होते हैं जितने लॉग्स के मायने होते हैं, क्योंकि वहाँ बंदे कम होते चले जा रहे हैं तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट वहाँ मिनिमम होता चला जा रहा है, वहाँ लॉग्स क्रिएट होते चले जा रहे हैं कि किसने ऑर्डर दिया, कैसे ऑर्डर हुआ, किसने ओके दिया, तो वो किसने ऑथराइज़ किया ट्रांजेक्शन को, वो सिस्टम में आ जाएंगे, वो सिस्टम लॉग्स में आ जाते हैं और वो इंटरनल कंट्रोल उसी सॉफ्टवेयर का पार्ट बन जाते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली वो उसका सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। तो उसके अलावा नेटवर्क ने बाउंड्रीज डिसॉल्व कर दी हैं, अब ऐसा है कि ट्रांजैक्शन पार्टी कहीं पर भी लोकेटेड है, दुनिया में कहीं भी लोकेटेड है या कंट्री में कहीं भी कोई लोकेटेड है,
बाउंड्रीज़ के कोई मायने नहीं है। अगर मिंडा कॉरपोरेशन काफ़ी दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, तो ये नहीं है कि मैनुअली परचेज़ ऑर्डर जाएगा वहाँ पर, क्या कहते हैं, आपका परचेज़ ऑर्डर बनेगा, उसे फ़ोन से बताया जाएगा कि परचेज़ ऑर्डर भेज रहा हूँ, वो कुरियर होगा, ऐसा नहीं है। अब क्या है, बटन दबा, ऑटोमेटिकली उसके वहाँ इंफॉर्मेशन पहुँच गई और उसने माल भेज दिया। तो एक पूरा नेटवर्किंग अक्रॉस दी, इनसाइड दी कंपनी, अक्रॉस दी कंपनी नेटवर्किंग होती आज की डेट में, और वो मैसिव एफिशिएंसी ला रही है। उसके अलावा ई कॉमर्स जैसी चीज़ें आ गई, ई कॉमर्स ने फिजिकल मीटिंग की ज़रूरत ही नहीं, ई कॉमर्स में मतलब ट्रांजैक्शन पार्टी की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। उसने नए नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए, और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, बी टू बी ट्रांजेक्शन में, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन में उसने ट्रेड साइकिल्स क्रिएट कर दी हैं। ट्रेड साइकिल्स क्या होता है कि ऑटोमेटिकली अपने आप इनिशिएट होती हैं और कनेक्टेड सिस्टम कंप्लीट कर लेते हैं, और अक्रॉस द ग्लोब वो हो सकती हैं, यानी अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द ग्लोब ये ट्रेड साइकिल्स कंप्लीट हो जाती हैं। यानी कि अगर मान लिया सपोज आपके मारुति कॉरपोरेशन में अगर कोई माल कम हुआ, इन्वेंट्री में रीऑर्डर लेवल में आ गया, तो ऑटोमेटिकली क्या है, सिस्टम को पता चल जाता है, उधर से जो इन्वेंट जो वेयर हाउस ने माल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया, तो जैसे ही वो रीऑर्डर लेवल पर आएगा तो रीऑर्डर क्वांटिटी का परचेज इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो परचेज डिपार्टमेंट है उसके पास, उसको पता चल जाएगा कि इतना परचेज़ करना है, और हमें ये पता चल जाएगा 3-4 घंटे के अंदर तो माल आता है। तो हम क्या है, पहले एक्स्ट्रा सामान रखा करते थे, वो एक्स्ट्रा सामान नहीं रखेंगे। जब हमारी कार बिकेगी तो कार हमारी मारुति की फैक्ट्री से जैसे ही बाहर निकलेगी वैसे ही ऑटोमेटिकली माल आ जाएगा। इवन आगे की चेन जो है, रिटेल चेन है, मालूम पड़ा कार का एक शोरूम है, वहाँ पर हमें पता रहता है कितनी कार निकल रही है, कितनी इन्वेंट्री इसके पास पड़ी है। हम उसके पास ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं रखते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री अगर उसके पास ज़्यादा रहेगी तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। भाई आपके शोरूम में अगर ज़्यादा बड़ी इन्वेंट्री रहेगी तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, कार की कॉस्ट अल्टीमेटली ज़्यादा होगी, तो सेल्स वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे ही उसकी एक कार सेल हुई, उसकी एक कार बिकी, उसके शोरूम से कार निकली, इधर से फैक्ट्री को पता चल जाएगा भैया एक कार निकल चुकी है, एक कार बिक चुकी है, ऑटोमेटिकली वो कार का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो पूरे वैल्यू चेन में जो बेकार इन्वेंट्री पड़ी रहती थी, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री पड़ी रहती थी, वो ख़त्म हो जाएगी, और वो पूरे चेन में इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। पूरी नेटवर्किंग है जो रिक्वायरमेंट को अपडेट कर रहा है, पूरा सिस्टम एफिशिएंट बन गया है, तो लोअर कॉस्ट में आपको चीज़ें मिलना स्टार्ट हो गई हैं। ये तो बेसिकली पॉजिटिव ट्रेड थे। अब नेगेटिव ट्रेड्स भी हैं, जहाँ से रिस्क होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो गए, नए रिस्क हैं, नए कंसर्न्स हैं, एरर आ गया सॉफ्टवेयर में या प्रोग्रामिंग कोड में, तो उसमें क्या है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ जाते हैं, और कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। जैसे बैंक है, बैंक में ATM है, ATM ने काम बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि सेंट्रलाइज डेटा बेस काम करना बंद कर गया, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो पूरे कंट्री का सिस्टम बंद हो गया। एक सेंट्रलाइज डेटा बेस में अगर प्रॉब्लम आ गई है, बैंक के सेंट्रल डेटा बेस में सारा डेटा है, सारे अकाउंट्स वहाँ पर हैं, आप इसीलिए इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं भी जाकर ATM से पैसा निकाल सकते हैं, पूरी इंडिया में कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि एक सेंट्रलाइज डेटा बेस है, वो आपने जैसे ही पैसा निकाला वो अपडेट कर दे रहा है। आप दूसरी जगह जाओगे तो फिर आप पैसा निकाल सकते हो अगर आपके अकाउंट में बचा हुआ है, तो क्योंकि वो अपडेट कर रहा है, फटाफट अपडेट कर रहा है आपके अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है। अगर वो ही डाउन हो गया तो पूरी इंडिया के ATMs काम करना बंद कर जाएंगे, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, उनके पास ये नहीं आएगा कितना अकाउंट में इसका पैसा है, कितना निकालना है और फिर कितना बचेगा, वो ट्रांजेक्शन्स लॉग्स क्रिएट नहीं होंगे, इसकी वजह से पैसा नहीं निकलेगा, ATM ऑथराइज नहीं करेगा। तो उसमें अगर उसमें नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी हो सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की बदनामी हो जाए, गुडविल पर असर पड़ जाए, तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट और नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स दोनों होने लगे हैं, और बहुत तगड़े इम्पैक्ट्स होने लगे हैं अगर कहीं पर एरर्स आ गए सॉफ्टवेयर में, प्रोग्रामिंग कोड्स में। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ रिस्क होते हैं, जैसे रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड लॉजिकल एक्सेस। आपका अगर बैंक में इंटरनेट है या कहीं कोई बिजनेस में इंटरनेट है, तो उसे दुनिया में कहीं से भी अगर आप उससे इंटरनेट से कम्युनिकेटेड है, वो इंटरनेट से आपके वहाँ लोकल एरिया नेटवर्क है और उससे आपका इंटरनल नेटवर्क है, और वो इंटरनल नेटवर्क अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो दुनिया में आप कहीं से भी उसमें लॉजिकली घुसने की कोशिश कर सकते हो। तो उसके लिए आपने क्या है कि फायरवॉल लगा रखा है, बाकी चीज़ें लगा रखी है, लॉजिकल एक्सेस लगा रखे हैं,
लॉजिकल कंट्रोल्स लगा रखें। लेकिन क्या होता है, फिर भी हो सकता है फिर भी हैकर जो है सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन ले ले। रिस्क होते हैं, जैसे साइबर क्राइम्स के रिस्क होते हैं, वायरस अटैक्स होते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो आपको उसी अनुसार अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी जो है कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है, उसको अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना डिफिकल्ट होता चले जा रहा है। तो उसके लिए स्किल्स चाहिए होते हैं, रिक्विजिट स्किल्स चाहिए होते हैं, हायर लेवल स्किल्स चाहिए होते हैं। पहले ज़िंदगी बड़ी आराम थी, एक खाता बही में आप एंट्री कर दो, एक अकाउंटेंट बैठा रहता था, उसको कुछ एंट्रीज पता होती थी कि बैंक के एंट्रीज, कुछ एक्सपेंस के एंट्रीज, बस वो दो चार एंट्री डालता रहता था ज़िंदगी भर और आराम से रिटायर हो जाता था, उससे ज़्यादा वो नहीं सोचता था। लेकिन आज की डेट में क्या है कि सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं, तो उसे वो एंट्री वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं। एक बार उसने एंट्री डाली, पूरा सिस्टम ऑटोमेट हो गया। अब कॉम्प्लेक्स स्किल्स की ज़रूरत है, कॉम्प्लेक्स नॉलेज की ज़रूरत है और उनको अंडरस्टैंड करना है। आईटी कंट्रोल्स को, कॉम्प्लेक्स आईटी कंट्रोल्स को समझना है, और समझना ही नहीं है, हर 5 साल में तो पूरी एक जनरेशन चेंज हो जाती है। आपको फॉरवर्ड लुकिंग होना पड़ेगा, आपको लर्निंग और अनलर्निंग करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि आपका आईटी पर जितना डिपेंडेंस होगी उसमें इनहेरेंट रिस्क होते हैं। आईटी में कुछ कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अचानक ब्रेकडाउन कर रही, अचानक फेलियर हो गया, आपका कंप्यूटर चल रहा है, एफिशिएंटली चल रहा है, 1 साल चल रहा है, 2 साल चल रहा है, 3 साल चल रहा है, अचानक ब्रेकडाउन आया, अचानक फेलियर आया, अचानक सॉफ्टवेयर फेल कर गया, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई, अचानक कोई वायरस आ गया, या अचानक हार्डवेयर ब्रेकडाउन हो गया। तो कुछ इनहेरेंट रिस्क हैं जो कभी भी हो सकते हैं, और जब वो होते हैं, जब तक नहीं होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब वो होते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो कुछ इनहेरेंट रिस्क हैं वो पैदा हो गए हैं, मतलब ये सारे रिस्क जो हैं आईटी में हैं। और आईटी में सबसे चीज़ ये है कि इन रिस्क को अगर आप मिटिगेट करना चाहोगे, इन रिस्क को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते, एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क बनाना पड़ेगा, एक्सेप्टेड लेवल ऑफ रिस्क बनाना पड़ेगा। एक मैनेजमेंट को हर क्रिटिकल एसेट के लिए एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क क्रिएट करना पड़ेगा कि रिस्क का ये एक्सेप्टेबल लेवल है, और फिर वहाँ तक रिस्क लाना पड़ेगा और उसके लिए कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन उस कंट्रोल्स लगाने के लिए आपको आईटी की नॉलेज होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स आईटी कंट्रोल्स जो हैं कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं, तो उसकी नॉलेज आपको होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी स्टडी जो है वो ये कहती है कि ये सारे बेनिफिट्स और ये सारे रिस्क की वजह से को हमें समझ लेना चाहिए, और इसकी वजह से हमें ये समझना चाहिए कि ऑडिटिंग में इम्पैक्ट आएगा। ऑब्वियसली ऑडिटिंग में इम्पैक्ट आएगा, तो जो ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स हैं वो अब काम नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव तो सेम रहेंगे, फंडामेंटल ऑडिटिंग ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे, लेकिन टेक्निक्स जो ट्रेडिशनल ऑडिटिंग टेक्निक्स हैं वो काम नहीं करेंगी। यहाँ पर ट्रेडिशनल ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो फंडामेंटल ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो तो सेम रहेंगे लेकिन टेक्निक्स वो काम नहीं करेंगे। क्योंकि पहले क्या होता है, आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी देख रहे हो, आप पहले आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गए जहाँ पर 100 लोग हैंडल करते थे, 100 लोग काम किया करते थे, आज वहाँ 2 लोग काम कर रहे हैं। आप उससे समझा रहे हो कि जी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, उसने कहा भाई साहब हम तो 2 ही जने हैं, 2 ही जने सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, अगर सेग्रीगेट करने लगेंगे ड्यूटी को तो इनएफिशिएंसी आ जाएगी। तो वहाँ पर ऑडिट मेथड चेंज होंगे, आप ऐसा है सिस्टम देखोगे, वहाँ पर लॉग्स देखोगे कि सिस्टम लॉग्स क्या हैं, और वहाँ पर क्योंकि पूरा सिस्टम काम कर रहा है तो फ्रॉड एंड एरर कहाँ से होगा, पूरा सिस्टम तो खुद फ्रॉड एंड एरर नहीं करेगा, सिस्टम तो ऑटोमेटेड है, सिस्टम तो सेंटिएंट बीइंग नहीं है, यानी हमारी तरह आदमी नहीं है, सोचने समझने वाला सेल्फ अवेयर नहीं है, सिस्टम खुद जानता नहीं है, वो फ्रॉड किसके लिए करेगा, सिस्टम खुद अपने लिए फ्रॉड नहीं करेगा, वहाँ तो आदमी होना चाहिए कहीं पर फ्रॉड करने के लिए। तो आदमी कहाँ होगा, या तो एम्प्लॉई होगा, जो बचे खुचे एम्प्लॉई हैं उनमें से कोई कुछ गड़बड़ करेगा, या फिर बाहर का बंदा कोई उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो अब बेसिकली क्या है कि ट्रांजेक्शन, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, सिस्टम एफिशिएंट होगा तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आपको कंप्यूटर से ऑडिट करना पड़ेगा, ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट इसलिए एक नई चीज़ आ गई है, उसमें एक नया ऑडिटिंग इन अ ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट और ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, दोनों डिफरेंट चीज़ें। ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, और अब तो अधिकतर ऑडिटिंग इन अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट किया जाता है। उसके बाद नए रिस्क आ गए, मतलब
इनहेरेंट नेचर ऑफ रिस्क चेंज हो गया, जो नेचर ऑफ रिस्क है वो चेंज हो गया। पहले क्या होता था कि पांच आदमी बैठे हुए हैं और वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो फ्रॉड कर सकते हैं। आज सिंगल आदमी है, पांच आदमी बैठे हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी पड़ेगी कि तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी ने फ्रॉड किया तो उस वहाँ उसके एरिया में देखना पड़ेगा। आज उन पाँच की जगह एक आदमी है और पूरा सिस्टम है, तो आपको ये देखना पड़ेगा सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। मतलब सिस्टम में इनहेरेंट प्रॉब्लम आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो ब्रेकडाउन होने के बहुत चांसेस हैं। तो बेसिकली आपको ऑडिटिंग डिफरेंट तरीके से ऑडिटिंग करनी पड़ेगी। तो आईटी ऑडिट डिफरेंट है, आईटी ऑडिट डिफरेंट भी इसलिए है क्योंकि ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं, वो ऑटोमेटेड हो चुकी हैं, वो फास्ट हो चुकी हैं, वो एफिशिएंट हो चुकी हैं, वो उसमें अलग टाइप की रिस्क हैं। पहले में फ्रॉड एंड एरर्स ज़्यादा होते थे, अब जो है एम्प्लॉयज़ ही करते थे। आज की डेट में बाहर की तरफ से हैकर्स आ सकते हैं, वायरसेस आ सकते हैं, सिक्योरिटी आईटी सिक्योरिटी ब्रीचेस हो सकते हैं। तो आपको पहले लॉग्स नहीं होते थे, मतलब ट्रांजैक्शन लॉग्स उतने ज़्यादा नहीं होते थे, आज ट्रांजैक्शन लॉग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लॉजिकल कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले लॉजिकल कंट्रोल जिस टाइम की चीज़ ही नहीं थी, फिजिकल कंट्रोल्स लगते थे हर जगह जहाँ भी लगते थे, आज लॉजिकल कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक अकाउंटेंट होता था, वो अपनी बही खाती रख देता था, ताले के अंदर रख देता था, अगर चोरी हुई तो पूछते थे कैसे चोरी हुई, किसने चोरी की, दरवाज़ा किसने तोड़ा। आज की डेट में वो ताले में बही खाता नहीं रखता है, बही खाता जो है इलेक्ट्रॉनिक ताले में होता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर होता है, कंप्यूटर के अंदर लॉजिकल ताला लगा होता है, लॉजिकल कंट्रोल्स लगे होते हैं, और वो लॉजिकल कंट्रोल्स उसके पास एक पासवर्ड वगैरह होता है। वो लॉजिक आईटी जो डिपार्टमेंटल हेड है वो ओनर होता है उन पर्टिकुलर प्रोसेसेस का, लेकिन उसका कस्टोडियन कोई और होता है। तो मेथड्स चेंज आ गए और उसी के अनुसार इम्पैक्ट चेंज हो गया आईटी एनवायरनमेंट में, ऑडिट का इम्पैक्ट चेंज हो गया। थैंक्स।